हाय एवरीवन, दिस इज़ अनीशा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरिंग ब्यूटी। आज के वीडियो में आई एम गोना रिक्रिएट दिस लुक जो कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाला था एंड यू गाइज लव्ड इट सो मच। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल भी किया था कि आप लोगों को इस लुक का ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं, एंड मोस्ट ऑफ यू सेड येस। सो हेयर आई एम filming the tutorial of this cocktail and plus tash party look. So it's a basically a very simple 10 or 15 minutes वाला look जो बहुत easily you know आप लोग भी create कर सकते हैं। It's a bold lip color and very muted shimmer eyes। तो फटाफट से इसका tutorial चालू करते हैं and हर एक चीज़ मैं आपको detail में बताऊँगी। So let's just begin this video, but before that please do subscribe to my channel, hit on the bell icon and please do follow me on Instagram for more regular updates. Now let's get started. ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं करूँगी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आई एम नॉट यूजिंग इट करंटली, लाइक आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट ऑन माई स्किन। 2 मिनट पहले ही मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया था अपनी स्किन को ताकि मेरे स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजेशन हो जाए और अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले स्किन में, ताकि मेकअप करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये मैक का फिक्स प्लस सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, सो आई वॉन्ट वेरी सुपर ग्लोई बेस और उसके लिए मुझे हाइड्रेशन लेवल एकदम प्रॉपर चाहिए, टॉप पर चाहिए। तो उसके लिए दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड आई विल जस्ट स्प्रे इट ऑन माई फेस लाइक प्रॉपरली एंड लेट इट ड्राई। देन आई एम टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, और उसी से पूरा जो मैंने सेटिंग स्प्रे किया था उसको डैब 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 कर लूँगी। उसके बाद मैं अपना बेस करूँगी एंड बेस के लिए आज मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। 1 इज़ मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन एंड सेकेंड 1 इज़ वेट एंड वाइल्ड टिंटेड हाइड्रेटर। सो दिस इज़ अ स्किन टिंट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड और ये एक सीरम बेस्ड फाउंडेशन है जिसका बहुत ही शेयर टू मीडियम कवरेज है, जो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग है। इसमें विटामिन सी है एंड आई रियली लाइक द कवरेज ऑफ दिस वन, और इसका भी मुझे कवरेज काफ़ी अच्छा लगता है। वेरी लाइट कवरेज बट इट गिव्स यू दैट वेरी ग्लोई स्किन। सो आई अप्लाइड इट फर्स्ट विद माई फिंगर्स एंड उसके बाद मैंने ब्रश ले लिया बिकॉज उसको अच्छे से ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छे हेल्प हो जाएगी ब्रश से। Now I will highlight my under eyes and some of the area. तो उसके लिए मैं टिप्सी ब्यूटी का hangover proof full coverage concealer यूज़ कर रही हूँ and this is the shade 03 पीना कोलाडा। सो इसको मैं सिर्फ अपने under eyes पर ही लगाऊँगी mostly and over my nose and here, और फिर beauty blender से I will be blending the concealer ताकि एकदम नेचुरल फिनिश मिले। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ब्रश, बट आई डोंट वांट दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर। For blush, I'm using Lakme multi-layer face stick. So this is the multi-layer face stick from Lakme, and this is a beautiful shade. It's called peach pink, I guess, and it's a cream blush. I will take just a little amount, and I'll blend it with a brush. It blends beautifully and gives you that healthy flush of blush. A little on my nose from the brush only. Extra product मैं नहीं ले रही हूँ because मुझे इतना ज़्यादा blush की ज़रूरत नहीं है because I'm gonna do a bold lip today, so I'm keeping my base very minimal and you know glowy. Now to set my under eye area जहाँ पर मैं crease करती हूँ, तो उसके लिए मैं use कर रही हूँ Kay Beauty का ये compact powder. You can see I have already hit the pan and ये finish होने भी वाला है and I really like this compact powder. It's that good सो आई एम ओनली अपलाइंग इट अंडर माई आईज, लाइक सेट कर रही हूँ मैं अपने अंडर आईज को, हल्का सा यहाँ टिप ऑफ माई नोज एंड आईलिड्स, ताकि मेरी जो आई मेकअप मैं करूँगी वो क्रीज ना हो एंड जहाँ पर भी जो भी मतलब मेरे को लाइन्स वगैरह आ जाती हैं क्रीम प्रोडक्ट से, सिर्फ मैं वहीं पर ही इसको लगा रही हूँ. So this is the base makeup that I wanted. Now coming to the eyes, and for that I am using eyebrow pencil from Etude House, and this is their drawing eyebrow product. Quickly मैं gaps को fill करूँगी. I'm not gonna do the eyebrows very dramatic. Done with my eyebrows and I will do the eye makeup. So उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये माई ग्लैम मनीष मल्होत्रा 9-in-1 आई शेडो पैलेट. इट्स अ ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट एंड आई यूज़ इट a lot actually, not the this variant. I have another variant from the same palette, so उसको मैं बहुत ज़्यादा use करती हूँ. Anyways, I am using this center वाला shade, so it looks like white shimmer but it is actually golden silver mix. So I am taking just a little bit, बस मैंने tap किया है like so, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल tap किया है और इसी finger से सिर्फ मैं लिड्स पर सीधा डायरेक्टली ये शिमर शेड लगा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट वेरी सॉफ्ट शिमर ऑन माई आईज, बिकॉज इट्स अ यू नो पार्टी लुक, और यू कैन ऑल्सो लाइक इट्स पार्टी वेडिंग फंक्शन और यू नो कॉकटेल काइंड ऑफ अ लुक. क्योंकि लिप्स जो है वो बोल्ड कलर होगा तो उसके लिए मुझे आईज को इतनी अटेंशन नहीं देनी है. आई वॉन्ट कि मेरी सारी अटेंशन जो है वो लिप कलर पे आए, बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि जो आईज़ हैं वो एकदम बिल्कुल फीकी ना लगे. सो आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ शिमर, दैट्स इट. अच्छे से ब्लेंड करो फिंगर से ही, और अगर इसकी नीड है, ब्रश की नीड है, देन टेक द लाइटेस्ट शेड, ब्राउन शेड फ्रॉम द पैलेट ओनली एंड टैप ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट, और यहाँ क्रीज लाइन पे उसी से ब्लेंड कर दो. सी एक क्रीज लाइन पे लाइन बन गई है, एक शैडो आ गया है, सो दैट इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक कि तुमने ऐसे ही यू नो शिमर शेड लगा दिया है. Now for lower lash line I need brown shade. I'm using this very old palette from Makeup Revolution reloaded palette, जो टूट के मतलब बुरा हाल हो चुका है, तो उसका ये वाला ब्राउन शेड मैं लूँगी. सेम ब्रश में आई विल टैप ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एंड जो मेरा लोअर लैश लाइन है उस पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, बिकॉज आई एम नॉट गन पुट एनी काजल और यू नो समथिंग टुडे. सो आई वॉन्ट कि यहाँ पर अच्छा शैडो आ जाए. Now I'm taking this angular brush, very patla sa, and taking this black eyeshadow, powder eyeshadow. और ये totally एक you know optional choice है. If you want a black shadow eyeliner like winged eyeliner, then you can definitely go for it. But अगर आपको skip करना है then you can skip it. ठीक है, कोई इसमें because हम already bold lip कर रहे हैं तो you can definitely skip it. But I want कि मेरी eyes actual में थोड़ा सा मतलब उनको definition चाहिए होता है, so इसलिए I'm using it. That's it. See, my eyes are looking so much better now. थोड़ी ऐसे इस साइड से लंबी दिख रही हैं, क्योंकि मेरी आइज़ ऐसे लंबी नहीं है, मेरी आइज़ ऐसे मोटी ज़रूर हैं बट इस साइड से ऐसे नहीं है, तो वो इलॉन्गेट हो गई है थोड़ी सी. सो काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर हुआ है लाइनर के बाद। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी फेक लैशेस। अगर आप चाहते हो फेक लैशेस लगाना देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फेक लैशेस। इफ़ यू वांट टू स्किप इट, यू आर नॉट कंफर्टेबल अप्लाइंग फेक लैशेस, देन प्लीज़ डेफिनेटली स्किप इट। Now to complete the eye makeup, I will finish off with this mascara. This is from L'Oreal Paris. This is their Lash Paradise mascara. I love using this mascara. So जो fake lashes हैं और जो मेरी real lashes हैं वो दोनों merge हो जाएं, उसके लिए मैं ये mascara use कर रही हूँ and वो अलग अलग नहीं दिखेगी। So आप अगर करीब से देखोगे ना तो वो अलग अलग दिखेगी वरना। So that mascara will stick my real lashes to the fake lashes and जो lower lashes हैं उनको भी एक mascara coat देना है। I actually forgot to use the bronzer and for that I'm using Rimmel London natural bronzer. I have already hit the pan here and I love using this one. It's a very beautiful natural looking bronzer. I am taking this Mars Cosmetics ka brush. This is F01. It's a fluffy contour brush and I will just, you know, bronze my face a little bit on forehead, ज़्यादा नहीं because already मेरा forehead बहुत छोटा है, so this and on my jawline, a little on my nose as well. Now the final step is lips. और lips के लिए I am using Simply Nam liquid lipstick. This is my favorite red shade from all the brands right there in the market. I love this shade. I cannot stop talking about this shade and this shade name is Poonam. This is the coolest red I have ever used and this is actually a cool toned red and I love this lipstick a lot and this brand actually has amazing products, so I will be applying the lipstick directly. क्योंकि this is a bold color, so I'm taking a brush, lip ब्रश ले रही हूँ मैं एक, और आई डोंट वांट कि मैं अपना रेड लिपस्टिक जो है वो रुइन कर दूँ, तो उसके लिए ब्रश से मैं अपने एजेस को ठीक करूँगी। ठीक है, तो क्विकली मैं उसको ठीक कर रही हूँ। Can you see how beautiful this red lipstick is looking? It's the perfect shade for Indian skin tones. I think this is the deepest red and I think this will suit every Indian skin tone, whether it is fair or medium or deeper skin tone. Even मैं कहती हूँ कि deep skin tones पर तो ये बहुत ज़्यादा pretty लगेगा, बहुत ज़्यादा सुंदर and I really love this shade. Highly recommended and this is the final look. I hope you guys enjoyed watching और ये बहुत ही easily 10-15 मिनट में आप लोग recreate कर सकते हो, whether it's any festival, wedding function और cocktail parties वगैरह के लिए एकदम perfect है ये वाला makeup look. बहुत easy है, trust me 10-15 मिनट में easily recreate हो जाएगा। और अगर आप लोग recreate करते हो then please don't forget to tag me. आप Insta पे मेरे को फोटो में tag कर सकते हो या फिर मुझे email भी कर सकते हो, मुझे ज़रूर भेजना please. I would love to see that if you guys are recreating and let me know in the comment section if you enjoyed watching this tutorial and also I would like to thank all of you for showing so much love on my short series #diwaliwithanisha जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उस पर अभी जो है टोटल मैंने 8-9 एपिसोड्स डाले हैं, एक एपिसोड अभी आई थिंक बाकी है तो वो भी आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग लीव एंड आई विल मीट यू ऑल इन नेक्स्ट मंथ, सो बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू सून, बाय बाय।